हेलो भाई, हेलो भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वाले वीडियो में गाइस, मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ ना भाई, एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ ना जो किसी ने सोची ना हो कि भाई, मतलब वो इतना मस्त चीज़ है ना जिसके लिए आपको मोड यूज़ करना पड़ता है, फिर चंक पे इसकी वेबसाइट यूज़ करनी पड़ती है भाई, वो आज मैं आपको एकदम फ्री में बताने वाला हूँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, जो सब्सक्राइब करोगे ना, बेल नोटिफिकेशन जो है भाई, वो बेल का घंटा है ना, उसको दबा देना भाई, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपना वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग विदाउट मोड, विदाउट चंक बेस की वेबसाइट पे गए हुए आप लोग माइनक्राफ्ट में चंक कैसे फाइंड कर सकते हो। यस, आई नो बहुत पुराना हो गया, बट बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था भाई, मैं भी वीडियो देख के आ रहा हूँ, बट मुझे अब पता चल चुका है। तो जैसे अपना पहला ले लो 256, ठीक है, इसको गाइस 16 से भाग देना है, मतलब 16 से इसको भाग देना है, एंड अगर ये पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये अपना मतलब पहला चंक का लाइन हो गया, ठीक है। कोई भी अंक जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 आए, यानी कि वो 16 से कट सकता है। तो इसके लास्ट में 6 आ रहे, यानी कि 16 से कट सकता है। अगर दशमलव में आंसर आता है, जैसे मान लो जैसे इसका आंसर आता है 16, अब अगर 16.1 आ रहा है ना, तो आपको वो अंक नहीं लेना, जो पूरा कट जाए आपको वही अंक लेना। तो 256 पूरा कट जाएगा। अब मान लो कि मैं 98 लिया हूं, अगर 98 को मैं काटूंगा, बगल में फोन रखा हूं भाई, ऐसा मत समझो कि मेरा मैथ बहुत तेज है, मान लो 98 काटूंगा तो वो नहीं कटेगा, 96 गाइस पूरा कट जाएगा। तो हम लोग का ये एक ब्लॉक मिल गया जिसका ब्लॉक का कोऑर्डिनेट है 256 और -96। ये जो ब्लॉक है गाइस, ये अपना चंक बॉर्डर जो है उसका पहला, मतलब जो पहला ब्लॉक होता है ना, पहला कोना, वो हो गया। अब आपको ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग को आगे के ब्लॉक रखना है। अब कैसे पता चलेगा कि ईस्ट कौन है, वेस्ट कौन है? बाकी माइनक्राफ्ट में F3 बटन तो होता नहीं है, F3 के F4 ऐसे कोई बटन होता है, F3 बटन होता है ऐसे। तो आप लोग एक सनफ्लावर ले लेना है, जो सनफ्लावर होता है वो हमेशा ईस्ट के जो डायरेक्शन होते हैं उसी साइड फेस करता है। तो आप लोग को इस लाइन में आपको 15 ब्लॉक रखना है। एक जो चंक होता है माइनक्राफ्ट का, वो होता है 16x16 का। तो आप लोग को 15 ब्लॉक रखना है, क्योंकि एक ब्लॉक हम लोग ने पहले रखा था, तो ये वो 16 ब्लॉक हुआ, एंड यहाँ पे पूरे हो चुका है ये 16 ब्लॉक, अपना फर्स्ट लाइन आ चुका है। अब हम लोग को दूसरी डायरेक्शन में हम लोग को वापस से 15 ब्लॉक रखना है, क्योंकि एक ब्लॉक पहले का लगा हुआ है, हम लोग को पूरा 16x16 बनाना है। अब बाय कैसे बनाना है आप लोग को पता है, अब दो लाइन बन चुका है, अब दोनों लाइन को, मतलब बाकी के जो दो लाइन है इनको मिला देना है हम लोग का। ये पहला, एक मिनट, ये एक ब्लॉक एक्स्ट्रा हो चुका है, ओके। तो हम लोग का बेहद, तो हम लोग का पहले आ चुका है अपना ये पूरा पहला चंक है, ये टूट एंड यहाँ लगो एंड 1, 2, 3, 4 अपना गाइस, ये फर्स्ट चंक आ चुका है, ये अपने वर्ल्ड का पहला चंक, मतलब पहला नहीं हो सकता, पहले कोई और होगा, बट ये अपने फर्स्ट, मतलब जो वर्ल्ड है उसका पहला चंक है। अब एक चंक निकल गया, अब आप लोग जितना चाहे उतना चंक निकाल सकते हो, बस कुछ नहीं करना है, इसके बगल में एक 16x16 बनाना है, फिर उसके बगल में एक 16x16, मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग को गिन के 16 ब्लॉक लगाना है, एंड उसके बाद फिर ऐसे तीनों डायरेक्शन में हम लोग को कर देना है, और फिर अपना ये निकल जाएगा 16x16 का एक चंक निकल जाएगा। और आपको पता है ये चंक जो होता है वो 16x16 का होता है। यहाँ पे 1, 2 और ये, एक मिनट, ये गलत लगे, 3, ये हो गया। अब बस हम लोग को दो डायरेक्शन और, 1, 2, 3, 4 एंड फिर यहाँ पे 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, ओके। तो अपना दो चंक निकल चुका है गाइस, एंड ऐसे ही आप लोग जितना चाहे उतना चंक निकाल सकते हो। तो गाइस, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, उसको लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, एंड एक दिन के अंदर मैं पूरा मतलब बता के दिखा दिया माइनक्राफ्ट के एक दिन के अंदर, ज्यादा कोई खास बात नहीं थी, बट किया दो भाई, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back.